WhatsApp group, and so many messages are coming. Everyone was looking for this Friday evening. सब चाहते थे कि ये शुक्रवार को जब चैतन्य चरण प्रभु आएंगे तो सबको लग रहा था कि चलो एटलीस्ट साल में एक प्रोग्राम तो अच्छा होगा, है ना? तो इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु का मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देने का प्रयत्न कर रहा था. मेरे पास बड़ा था लेकिन उसको उन्होंने छोटा करा दिया. बोला नहीं नहीं वो सब नहीं बोलना है. तो मैं कुछ तो चैतन्य चरण प्रभु एक प्रचारक हैं, आध्यात्मिक टीचर हैं. 25 साल से ज़्यादा ये भक्ति योग ट्रेडिशन का इट्स आज के ज़माने में किस प्रकार से भक्ति योग को अपने जीवन में ढालना है, ये इसके प्रचार में इस्कॉन इस संस्था के साथ जुड़े हैं. 27 से ज़्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं जो वैदिक ग्रंथों पर आधारित हैं, जैसे भगवद गीता और रामायण. विशेषकर प्रभु जी एक geetadaily.com बोल के वेबसाइट है जिस पर हर रोज़ वो 300 से ज़्यादा शब्दों में भगवद गीता पर कुछ नया आर्टिकल लिखते हैं, और ऐसे 4000 से ज़्यादा आर्टिकल्स अभी तक पब्लिश हो चुके हैं. और ये ईमेल्स के द्वारा रोज़ एवरीडे इट इज़ अवेलेबल टू पीपल अराउंड द वर्ल्ड. प्रभु जी टेडएक्स टॉक्स, अपने वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस यूनेस्को में भी उन्होंने टॉक दिया है. इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, येल, हार्वर्ड, MIT, कैम्ब्रिज, दीज आर स्मॉल नेम्स वेरी गोज. He gives more than 400 talks, 400 से ज़्यादा लेक्चर वो देते हैं. चार महाद्वीपों के 100 से ज़्यादा शहरों में 400 से ज़्यादा लेक्चर वो एक साल में देते हैं. तो अभी प्रभु जी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से US होके गए, इंडिया आए, अभी यहाँ से फिर वापस UK जाने वाले हैं, और अभी NVCC में भी अगले दो दिन के लिए लेक्चर्स होंगे उनके. तो आप इन सब लेक्चर्स का खूब फायदा उठा सकते हैं. तो आइए हम इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु का स्वागत करते हैं इस्कॉन भक्ति सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर में. एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य भूनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. तो जब भी मैं Can you do the screen sharing once again? Okay, no problem. Let's come, thank you. Okay, thank you. तो मैंने एक किताब पुनर्जन्म पे लिखा हुआ है, और कि कैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनको एकाएक उनके पूर्व जन्म की यादें आती है. तो उसी तरह से जब भी मैं पुणे में आता हूँ तो मुझे वो मेरा पूर्व जन्म जैसे याद आता है. मैं लगभग 1996 से लगभग 2007-08 तक पुणे में ही था. उसके बाद में काफ़ी ट्रैवलिंग चालू हो गया. तो एक नाय ठाकुर प्रभु को काफ़ी समय से जानता हूँ,
पर अभी पता चलता है कि मैं उनको बिल्कुल जानता नहीं हूँ। इसे हम कृष्ण को जितना जानते हैं, हम समझते हैं कि कृष्ण की महिमा कितनी बड़ी है। तो कन्हैया ठाकुर प्रभु जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं भारत में अलग जगह पे, यहाँ पे विशाल नगर में उनके प्रचार की विशाल क्षमता आप सब देख रहे हैं, और फिर पाश्चात्य देशों में जा रहे हैं। तो काफ़ी समय से, पिछले बार जब मैं आया था तो आमंत्रण दे रहे थे, तो आई एम डिलाइटेड एंड हम्बल टू बी हियर। आज आप सब बारह लगभग कई सालों से भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं कुछ भगवद्गीता पे आज चर्चा करूँगा। तो भगवद्गीता जो है, इसको एक हम कह सकते हैं एक जिग्जॉ पजल जैसे है। मैं कई शब्द है जो हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा, तो कभी कभी वो हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो भी वो हिंदी ट्रांसलेशन किसी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो शब्द कभी कभी इतने अनयूजुअल होते हैं। तो जिग्जॉ पजल में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, उसको फिट करते हैं हम और फिर एक सुंदर चित्र आता है। तो जो भगवद्गीता है ये एक ऐसा ही जिग्जॉ पजल है, एक ऐसा ही रहस्यमय ग्रंथ है। पर यह ऐसा है कि इस जिग्जॉ पजल को आप नॉर्मली जो जिग्जॉ पजल होता है उसको ये चीज़ यहाँ पर जाना चाहिए, ये पीस यहाँ पर जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, और फिर वो चित्र आता है। पर गीता ऐसे है कि उसको अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह जा सकती हैं, फिर भी अंत में एक सुंदर चित्र आता है। तो गीता के जो श्लोक है वो अलग अलग आचार्यों ने अपने भाष्य में, अपनी टिप्पणियों में उसको अलग अलग तरह से फिट किए हैं, और एक सुंदर उससे एक वर्ल्ड व्यू, एक जगत को देखने की दृष्टि हमें दी है, और वो कैसे भगवान पे केंद्रित है, भगवान के सेवा पे केंद्रित है, ये बताया है। तो अभी मैं कैसे भगवद्गीता ये जो है वास्तव में ये तत्वज्ञान है, पर भगवद्गीता ये तत्वज्ञान नहीं है, ये वास्तव में एक प्रेम का संदेश है। तो मैं ये जो इस टैबलेट को एक वाइट बोर्ड के समान यूज़ करूँगा और कुछ लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा इंग्लिश में, पर इसको एक्सप्लेन नहीं मैं करूँगा। साधारणतः क्या होता है कि हम जब गीता को देखते हैं तो हम अधिकांश लोग सोचते हैं कि जो गीता है वह So, गीता जो अधिकांश लोग सोचते हैं कि गीता जो है ये केवल एक तत्वज्ञान है, और हम सोचते हैं कि शायद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, उसमें लीला है, उसमें भक्ति है और उसमें रस है। पर वास्तव में गीता में भी बहुत रस है। सो गीता क्या है, इसको फिलॉसफी कह सकते हैं, पर इट इज़ एक्चुअली अ मैसेज ऑफ लव। वह तत्वज्ञान ज़रूर है, पर उससे ज़्यादा ये क्या है, भगवान का एक प्रेम का संदेश है। तो व्हाट आज हम क्या करने का प्रयास करेंगे कि भगवद्गीता के प्रवाह में कैसे भगवान का जो प्रेम है वो दर्शाते हैं वो, और कैसे उससे अर्जुन का परिवर्तन होता है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी अर्जुन की शुरुआत जो होती है गीता, शुरुआत क्या होती है, अर्जुन एक डिलेमा में है, वो एक द्वंद्व में है कि क्या करना है मुझे। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं आपसे पूछता हूँ कि धर्म क्या है। धर्म यहाँ पे रीति रिवाज नहीं है, यहाँ पे धर्म का मतलब है सही चीज़, कर्तव्य, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। अभी ये सवाल अर्जुन क्यों आया है, क्योंकि अर्जुन जो है गीता के शुरुआत में एक द्वंद्व में फंसे होते हैं कि उनका एक पोर है उनका कुल धर्म और दूसरी ओर है उनका क्षत्रिय धर्म, और ये दो चीज़ें जो है
उनको अलग अलग दिशा मिली जा रही है। कुल धर्म अगर वो पालन करते हैं तो उनके उनके उनको उनके कुल का संरक्षण करना है, मतलब ये कुल के बीच में युद्ध हो रहा है वो युद्ध नहीं करना है। पर क्षत्रिय धर्म का पालन करना है तो युद्ध करना ज़रूरी है। तो अभी साधारणतः दोनों करते हुए साथ में चल सकते हैं, पर अर्जुन को वहाँ पे समस्या आती है कुरुक्षेत्र के युद्ध में, क्योंकि यहाँ पे जो उसके शत्रु है वह वास्तव में कौन है, उसके उसके ही कुल के सदस्य है। और ऐसे नहीं कि अर्जुन ये जानते नहीं थे, अर्जुन जानते थे कि जानता था कि वास्तव में ये उनसे ही युद्ध करना है। तो ये भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में आती है, और भीष्म पर्व के जो पहले पर्व जो है उसको उद्योग पर्व कहते हैं। सॉरी, जो उद्योग पर्व है उसमें माय टैबलेट फेल डाउन यस्टरडे, सो सिंस देन इट इज नॉट बिहेविंग वेरी वेल। तो अभी जो महाभारत में कितने पर्व है किसी को पता है? ओके, 12। ओके, आई थिंक दैट विल बी अ न्यू महाभारत। महाभारत में वास्तव में 18 पर्व है। और सही नहीं, 12। ओके, एक्चुअली देर आर 18 चैप्टर्स इन द भगवद गीता, देर आर 18 डेज इन द कुरुक्षेत्र वॉर, एंड देर आर 18 पर्व इन द महाभारत। अब थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। तो उसमें जो है उद्योग पर्व में जो अर्जुन बात कर रहे हैं वो पहले उस पर बात हो चुकी है, पर वही सवाल अभी वहाँ पर भगवद गीता में आता है कि अभी अर्जुन ने कौरवों से पहले युद्ध किया है। कब किया है? कुछ ही समय पहले। कब? विराट में युद्ध किया है, पर तभी वो हिचकिचाया नहीं, यहाँ पे हिचकिचाया। क्यों? क्योंकि तभी विराट युद्ध में अर्जुन का कोई इरादा नहीं था कि किसी को मारना है वहाँ पे, उनको एक सबक सिखाना है कि आप हिंदी भाषा में बोलते हैं जैसे कि हमसे पंगा मत लो आप। हमारी शक्ति बहुत है, ऐसे में सोचो कि हमका आपने हमको वनवास में कर दिया है, हमारे पास सेना नहीं है, अकेला ही मैं काफ़ी हूँ। तो तभी अर्जुन की आशा थी कि शायद युद्ध नहीं होगा, वो दुर्योधन मान जाएगा और हमारा राज्य हमको वापस दे देगा। पर अभी जब अर्जुन आते हैं तो देखते हैं कि अभी युद्ध करना ही है, अनिवार्य है। और तभी अर्जुन पूछते हैं, भी क्या करना है मुझे? पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः, कि मेरा धर्म क्या है, कुल धर्म सही है या क्षत्रिय धर्म सही है, कौन सा धर्म मुझे करना है? और भी कोई कहते हैं आप क्षत्रिय धर्म करो, तो वही करने के लिए तो अर्जुन आए थे रणभूमि पे। पर अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि नहीं प्रपश्यामि मापनुद्याय चोकमुच्चोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा सप्तनम रुद्धम राज्यम सुराणाम चाधिपत्यम। क्षत्रिय धर्म पूरा करके पूरा यश क्यों न प्राप्त कर लूँ, ये पृथ्वी को जीत सकता हूँ या स्वर्ग को प्राप्त कर सकता हूँ, पर उससे मेरे हृदय में जो सूखापन हो रहा है, जो ग्लानी हो रही है, वो नहीं जाने वाली है। तो द भगवद गीता जो है वो क्या है, जब हमारे पास ऐसी परिस्थिति आती है कि दो दो पर्याय है और दोनों पर्याय बहुत बुरे हैं, तो उस समय क्या करना है? तो उस समय जो होता है बहुत मुश्किल होता है, तो उस समय सही कार्य क्या है वह बताते हैं भगवान भगवद गीता। और जब भगवद गीता ये बताते हैं, सबसे पहले शुरुआत क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि लेट्स सी अगर चलता है, ओके चलता है। तो अभी सबसे पहले अगर भगवद गीता के 18 अध्याय हम देखते हैं तो वाइज द इको कमिंग, मैं बहुत पास में आ रहा हूँ क्या? ओके, तो अभी सब हम 18 अध्याय जब आते हैं इसमें, तो उसमें आपको स्पष्ट सुनाई दे रहा है? वहां पे थोड़ा सा इको हो रहा है, आप थोड़ा सा सत्य बोल रहे हैं। काफी इको हो रहा है वैसे, नो प्रॉब्लम। तो अभी भगवद गीता में सबसे पहले अर्जुन कहते हैं, तुम सोच रहे हो मेरा कुल धर्म करना है या क्षत्रिय धर्म करना है, पर सबसे पहले तुम समझो कि
तुम एक कुरुनंदन भी नहीं हो और तुम क्षत्रिय भी नहीं हो। क्या है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, वो मल्टी लेवल होती है। कि भगवद्गीता में कहते हैं कि हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी होती है कि मैं इंजीनियर हो सकता हूँ, मैं डॉक्टर हो सकता हूँ, मैं माता हो सकती हूँ, पिता हो सकता हूँ, मैं साउंड सिस्टम इंचार्ज हो सकता हूँ। तो ये जो है हमारी हमारी जो पहचान होती है, आइडेंटिटी जो होती है, वो मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल मतलब क्या कि हमारी पहचान अलग अलग स्तर पे होती है। तो अभी अर्जुन की पहचान है, एक है कि वो क्षत्रिय है और दूसरे है सेम प्रॉब्लम है और कि वो है कुरुनंदन है। तो अभी इन दोनों में द्वंद्व आ गया है, तो इसका हल कैसे करना है? भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम समझो कि तुम आत्मा हो। तो ये जो है हमारी फंक्शनल आइडेंटिटी है। फंक्शनल मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार ये पहचान होती है और ये बदल सकती है। पर इसके नीचे जो है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है और ये कभी नहीं बदलती है। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं कि आप ये समझो हमारी पहचान क्या है, और फिर उसके बाद में भगवान आगे बढ़ते हैं। और जब दूसरे अध्याय का अंत होता है तो तभी जो भगवान बता रहे हैं कि तुम अगर समझोगे तुम आत्मा हो, तुम्हें इस जगत में कुछ प्राप्त नहीं करना है, तुम्हें जगत के परे सही में प्राप्ति करनी, यहाँ पे तुम्हें सेवा करनी है, कर्तव्य करना है, और तुम्हारी असली प्राप्ति है जगत के परे है। तो तभी अर्जुन सोचने लगते हैं ठीक है, तो जो आप बोल रहे हैं वो कार्य करने वाले होंगे, कैसे कर लोग होते हैं वो जो आप कह रहे निष्काम भाव से कार्य करना है? तभी अर्जुन पूछते हैं, तो तभी अर्जुन सवाल पूछते हैं कि ठीक है, सतप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, कि आप उनका थोड़ा आपको मुझे इनका लक्षण बता सकते हैं क्या? तो ठीक है, भगवान कहते हैं, तो तभी लक्षण बताते समय तो स्थितप्रज्ञ का जो विभाग आता है बताते हैं कैसे व्यक्ति जो इस जगत में जो द्वंद्व आते हैं उनसे परिणाम नहीं होता है। अभी ये समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान कहते हैं कि आपको द्वंद्व को सहन करना है, पर ये नहीं कहते हैं कि ठीक है द्वंद्व को सहन करना है तुम्हें, तो कौरवों ने तुम्हारे प्रति जो अत्याचार किया है वो भी एक द्वंद्व ही है, उसको भी सहन कर लो। नहीं, जो सहनशीलता है उसका महत्व समझना महत्वपूर्ण है। क्या है? टॉलरेंस मीन्स टू कीप स्मॉल थिंग्स स्मॉल सो दैट वी कैन फोकस ऑन द बिग थिंग्स। टॉलरेंस डज नॉट मीन टू लेट बिग थिंग्स बिकम स्मॉल। सहनशीलता का मतलब क्या है? जो छोटी चीजें हैं उनको छोटा रखो ताकि जो बड़ी चीजें हैं उनको हम जोर दे सके। अगर हम समझे कि सहनशीलता का मतलब है कि बड़ी चीज़ों को छोटा कर दो, इसका उदाहरण दे सकता हूँ। मैं एक सहनशीलता पे लेक्चर दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया में था तभी, तो एक भक्त है, उनको मेरे लेक्चर काफ़ी सुनते हैं वो, और मुझे उसके बाद में कैंडिड फीडबैक देते हैं कि अच्छा ये पॉइंट अच्छा था, ये क्लियर नहीं था, ये ऐसे था। तो वो लेक्चर में सुना, उनको पूछा मैंने आपको कैसे लगा लेक्चर ये? बोले इस लेक्चर में आपने जो बताया उसको मुझे अमल करने का मौका मिल गया लेक्चर में। अच्छा मतलब कि तुम कह रहे हो कि मैं लेक्चर इतना इतना बुरा था कि तुम्हें सहन कर रहे लेक्चर को? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। बोले मैं पीछे में थोड़ा लेट आया, पीछे बैठा था, तो मैं जहाँ पे बैठा था तो बाजू में जो व्यक्ति थे वो पूरे क्लास में फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो मैं कुछ सुन नहीं पा रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, पर मैं सोचा कि आप सहनशीलता पे लेक्चर दे, मुझे सहन करना चाहिए। मैं बोला ये सहनशीलता नहीं है, ये दिस इज नॉट टॉलरेंस, दिस इज पैसिविटी, ये शिथिलता है। सहनशीलता और शिथिलता में फर्क है। तो टॉलरेंस का मतलब क्या है? प्लीज टॉलरेट ऑल दिस हैपनिंग हियर। टॉलरेंस मतलब क्या है कि मान लीजिए हम इस रास्ते पे जा रहे हैं
और इसके अंत में कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें पहुंचनी है, दिस इज अ बिग थिंग, तो इसकी ओर सीधा हमें जाना है। और जब जाते समय शायद रास्ते में कोई खड्डा आ जाएगा या फिर इसके आजू बाजू कोई अच्छा गार्डन दिख जाएगा हमको, वहां पर जाके मैं थोड़ा साइड देखता हूँ, तो क्या है ये चीजें रास्ते में कुछ अच्छा आएगा बुरा आएगा, तो अगर हम बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव्स जो है, दीज आर स्मॉल थिंग्स, और जो रास्ते में नेगेटिव्स भी आते वो भी है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो क्या करना है हमें, जो छोटी छोटी हम जिस ध्येय की ओर जा रहे हैं उस ध्येय की ओर जाते हुए जो व्यत्यय आते हैं वो ध्येय के तुलना में छोटे हैं, तो उनको सहन करना है। तो अगर मान लीजिए कोई प्रवचन सुनने आता है तो वहां पे बिग थिंग क्या है, जो प्रवचन सुनना है समझना है, और उसमें स्मॉल थिंग छोटी चीज क्या है, मान लीजिए हम प्रवचन के लिए बैठे हैं, हमको हमको शायद कुर्सी पे बैठना कंफर्टेबल है पर कुर्सी है ही नहीं वहां पे, तो जमीन पे बैठना पड़ रहा है, तो थोड़ा हमको अनकंफर्टेबल होगा वो, पर ठीक है अगर बैठना पड़ता है तो प्रवचन तो 6 घंटे नहीं चलने वाला है, 1 घंटा चलने वाला, तो बैठ सकता हूँ मैं, वो सहन कर लूंगा मैं। पर अगर वो प्रवचन ही हम सुन नहीं पा रहे तो क्या है, वो स्मॉल थिंग नहीं है, वो बिग थिंग है। तो भगवान जब अर्जुन को कहते आप सहन करो, उसका मतलब क्या है, क्या सहन करो आप, कि अभी आपको आपका कर्तव्य करना है, और कर्तव्य करते समय अगर आपको अपने रिश्तेदारों से भी युद्ध करना पड़ रहा है, तो आप आत्मा हो वे आत्मा है, और आत्मा के कल्याण की तुलना में जो भी आपको युद्ध करना पड़ रहा है वो सहन करना चाहिए। तो जो भगवान बताते हैं कि वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ फिलोसॉफी इज टू रिसाइज आवर कंसेप्शंस ऑफ थिंग्स इन रियलिटी। तत्वज्ञान से क्या होता है कि कौन सी चीज कितनी महत्वपूर्ण है वो हमारे विचार में बदल जाती है। जो तत्वज्ञान पता नहीं है, सी देयर टू थिंग्स, देयर द थिंग्स दैट ग्लिटर एंड द थिंग्स दैट मैटर, कि जो चीजें चमकती है और जो चीजें महत्वपूर्ण है मूल्यवान है, इंग्लिश में कहते ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कहते हैं। तो तत्वज्ञान जब नहीं होता है जो भी चीजें चमकती है उनके बारे में आकर्षित हो जाते हैं, पर तत्वज्ञान जब होता है तो ये चमकती है पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें हैं उन पे जोर देना है। तो भगवान बताते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य अगर तुम करोगे तुम आत्मा की शुद्धि होगी, तुम भगवान की ओर, तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। तो यह जो है यह गीता का संदेश है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि हम जब हम भारत में भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें कुछ तत्वज्ञान है, और साधारणतः हम एक रेवरेंस के साथ आते हैं, थोड़े आदर के भाव के साथ आते हैं भगवद गीता। पर जब पाश्चात्य देश में हम जाते हैं तो खास करके पाश्चात्य देश के लोग जब गीता पढ़ते हैं तो वो किसी और किताब के समान ही पढ़ लेते हैं उसको। तो मैं स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर दे रहा था, उसके बाद में एक अमेरिकन आया और कहा कि आई हैव रेड मैनी रिलीजियस बुक्स, मैंने कई धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं पर आई हैव नॉट सीन एनी कंसेप्शन ऑफ गॉड दैट इज एज ईगोइस्ट एज कृष्णा, कि मैंने कोई भी भगवान की संकल्पना अभी तक नहीं पढ़ी है जो इतनी अहंकारी जितने कृष्ण है। अच्छा क्यों, और सारे भगवद गीता में वो तत्वज्ञान नहीं बता रहे, खुद की महिमा बता रहे। तो दिस इज नॉट अ फिलोसॉफिकल बुक, दिस इज अ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन बुक। बोले कि तत्वज्ञान है ही नहीं इसमें कुछ है। वो क्या है, खुद की महिमा का ही किताब है वे। वास्तव में फिर कि अगर भगवान को खुद की महिमा बतानी होती, अगर भगवान गर्विष्ठ होते तो वो अर्जुन के सारथी क्यों बनते, वो अर्जुन के सारथी क्यों बनते। सारथी बनना तो एक बहुत एक नम्र चीज है वो, पर उससे महत्वपूर्ण यह है कि वास्तव में भगवद गीता में भगवान खुद की महिमा हमेशा नहीं बता रहे। अगर हम पूरा भगवद गीता का विश्लेषण देखते हैं तो ये भगवद गीता में भगवान अपना प्रेम किस तरह से दर्शा रहे हैं उस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। पर उसके लिए हम सबसे पहले देखा क्या है कि अर्जुन एक बड़े गंभीर समस्या में है, जो तत्वज्ञान बता रहे हैं भगवान उसके
समस्या का हल करने के लिए बता रहे हैं। तो शायद ना हमको लगा तत्व ज्ञान और प्रेम का क्या संबंध है, पर क्या है कि प्रेम का व्यक्ति प्रेम को व्यक्त अलग अलग परिस्थिति में अलग दृष्टि से होता है। कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको उसके लिए दवाई ला के हम प्रेम व्यक्त करते हैं। कोई व्यक्ति भूखा है तो मान लीजिए कोई माता अपने घर में है, बच्चा आता है घर में स्कूल से, अरे बच्चे आई लव यू सो मच अपने बच्चे को कहती है, तो बच्चे कहते मम्मी आई एम हंग्री, आई लव यू सो मच, आई एम हंग्री, आई लव यू सो मच, आई एम हंग्री, आई लव यू सो मच। नहीं, जो ज़रूरत है वहाँ पे वो पूरे करने, वो प्रेम का लक्षण है। तो अर्जुन क्या है, अभी द्वंद्व में है। अर्जुन जो द्वंद्व का हल करने के लिए जो ज़रूरत है वो भगवान बता रहे हैं। तो द फिलोसॉफी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कृष्णाज लव फॉर अर्जुना टू हेल्प हिम रिजॉल्व हिज डिलेमा। तो अभी ये कैसे है, तो भगवान अपनी खुद की महिमा बताते हैं, पर कब बताते हैं और क्यों बताते हैं समझना महत्वपूर्ण है। तो अगर हम कहते हैं भगवद्गीता में 18 अध्याय है, तो अभी 18 अध्यायों में क्या हो रहा है, उसका अपना एक प्रवाह है। 7 भगवद्गीता के 3 विभाग है। तो एक तरह से जैसे भगवान सबसे पहले तुम आत्मा हो, उससे क्या है, अर्जुन की विचारधारा को भगवान ने बदल दिया है। और पहले छः अध्यायों में भगवान क्या कर रहे हैं, ये मान लीजिए कर्म योगा है, भक्ति योगा है, ज्ञान योगा है। तो पहले 6 अध्यायों में भगवान बता रहे हैं कैसे कर्मयोग से उपदेश देके वो भक्ति योग तक जाते हैं। तो अभी भगवद्गीता के 5वें अध्याय के अंत में भगवान बोलते भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, और 6 अध्याय के अंत में बोलते हैं कैसे वो योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिनांतरात्मना। भगवान कहते हैं तुम्हें द्वंद्व है, तुम्हें समस्या है, पर उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि तुम कर्मयोग करो, और कर्मयोग करते करते तुम उससे ऊंचे स्तर पर चले जाओ। तो कैसे है कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज इज दैट इट इंक्रीजेस द ऑप्शंस बिफोर अस। अगर हमारे पास अज्ञान है तो मुझे ये करना है या ये करना है, और मान लीजिए मुझे दवाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुझे बीमारी है, तो ये दवाई लेनी है या दवाई नहीं लेनी है, ये ट्रीटमेंट करनी है या नहीं ट्रीटमेंट करनी है, पर भी थोड़ा मेडिकल ज्ञान है, ठीक है ये एलोपैथिक दवाई है, ये आयुर्वेदिक दवाई है, ये होम्योपैथिक है, अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। तो नॉलेज इंक्रीजेस आवर ऑप्शंस, ज्ञान नहीं है तो ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या है, शुरुआत में गीता के शुरुआत में अर्जुन के पास केवल 2 ही ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है फाइट और नॉट फाइट, फ्लाइट जो है एक्चुअली अर्जुन जब भय भी होता है उनको, वो जो भय है वह एक भी बार भगवद्गीता के पहले अध्याय में वो खुद के मृत्यु का भय का व्यक्त नहीं करते एक भी बार। तो उनका जो भय है वो ऐसे नहीं कोई सैनिक रणभूमि चला गया और दूसरे दुश्मन को देख लिया, वापरे तो बहुत खतरनाक लगते, भाग जाओ यहाँ से, वैसा भय नहीं था। भय था कि ये युद्ध करना सही है या नहीं। तो वो द फियर इज नॉट ऑफ हिज ओन डेथ, द फियर इज ऑफ डूइंग द रॉन्ग थिंग। तो यहां पे मतलब एक दूसरे कैसे थे, एक्ट और रिनाउंस, ये 2 ऑप्शन अर्जुन के पास थे। पर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन नहीं है वास्तव में, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन क्या है, ये 4 ऑप्शन है कि कह सकते हैं अटैच्ड एक्शन, डिटैच्ड एक्शन, आसक्त होके कार्य करना, अनासक्त होके कार्य करना, फिर आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, कि एक आर्टिफिशियल कृत्रिम अपरिपक्व वैराग्य, और आखिरी है सही वैराग्य। तो ये 4 अर्जुन के पास ऑप्शंस है। अभी इसमें से भगवान कौन सा रेकमेंड नहीं करते हैं, यस अटैच्ड एक्शन, आसक्त कार्य नहीं करना है, और कुछ
यस, कृत्रिम जो है वैराग्य नहीं करना है। 3.6 में भगवान बताते हैं मिथ्याचार से उच्चते। तो सॉरी ओके, तो अभी बाकी दोनों में से भगवान कौन सा रिकमेंड करते हैं अर्जुन को? ओके, कितने कहते हैं रियल रिनन्सिएशन? ओके, कितने कहते हैं डिटैच्ड एक्शन? ओके, बाकी सब में कौन सा रिनन्सिएशन है? जो भी ऑप्शन नहीं है उसमें। ओके, तो वास्तव में भगवान बोध निश्रेयस कराउभौ, दोनों अच्छे हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर भगवद गीता में भगवान ये रिकमेंड करते हैं कि आप वैराग भी रख सकते हो पर अनासक्त रूप से कार्य करना वो आपके लिए और अच्छा है। क्यों? कि खास करके भगवद गीता 5वें अध्याय में कहते हैं, 3रे अध्याय में या 5वें अध्याय में वही सवाल है। अभी क्या होता है कि अर्जुन ये दो पर्याय ही देख रहे हैं, मुझे युद्ध करना है, युद्ध नहीं करना है। और ये क्या युद्ध करना, मतलब मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे कुल धर्म का पालन करूंगा, ऐसे सोच रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि नहीं, आपके पास 4 पर्याय है। पर फिर क्या है, ये 4 पर्याय अर्जुन के मन में बैठते नहीं है। तो अर्जुन इसलिए पूछते, आप कह रहे हैं शांति प्राप्त हो जाएगी, खास करके भगवद गीता के 2रे अध्याय के अंत में भगवान कहते कि सशांति मापनोति न काम कामी, आप कह रहे युद्ध करने को बोलेगी शांति कैसे प्राप्त होगी? तो ये 4 पर्याय क्या है वो अर्जुन समझ में नहीं आता उनको। तो फिर इसलिए एक तरह से भगवान 2रे अध्याय में अपने गीता को अंत कर देते हैं, पर क्योंकि अर्जुन को सवाल आते हैं तो इसीलिए भगवान वो जवाब देते हैं। अभी एक तरह से गीता में कितने अध्याय है, किसी को पता है? 18 अध्याय। ओके, 18। गीता में कितने सवाल पूछते हैं अर्जुन? सॉरी, अच्छा ये सवाल का जवाब नहीं है आपके पास। ओके, वास्तव में अर्जुन 17 सवाल पूछते हैं। और इसके साथ हम कह सकते हैं गीता के शुरुआत में धृतराष्ट्र एक सवाल पूछते हैं, तो उसको काउंट कर लेते हो तो 18 सवाल हो जाते हैं, पर अर्जुन खुद 17 सवाल पूछते हैं। और इसमें जो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5 और चैप्टर 18, ये एक ही सवाल अर्जुन पूछ रहे हैं। कभी क्या होता है, मैं जब पहले यहाँ पे पुणे में था तो एक हम जो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स था, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, वही सवाल वो हर एक प्रचार को पूछता था। तो उसमें 6 सेशन के लिए 6 प्रचारक होते थे, तो क्या थोड़ा कठिन सवाल था, तो तभी बाकी सब प्रचारक सब आखिर में सवाल पूछते थे कैसे जवाब देना है उसका। तो 5वें दिन उसे वही सवाल सबको पूछा, और 6ठे दिन मेरा 6वां सेशन था, तो ये सवाल पूछा हुआ है, तो मैंने जवाब दिया। फिर उसके बाद में पूछा कि तुम यही सवाल सबको क्यों पूछ रहे थे? बोले थे कि क्या तुमको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल रहा था? बोले थे मैं जाना चाहता कौन सा प्रचारक कितना जानता है। तो अभी ऐसे अर्जुन वही सवाल बार बार पूछ रहे, कि अभी वो एक ही कृष्ण को ही सवाल पूछ रहे बार बार। तो 2रे अध्याय में पूछते पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ जातः, धर्म मतलब मुझे क्या करना चाहिए। और फिर 3रे अध्याय की शुरुआत में पूछते हैं कि आपने बताया कि व्यामिश्रेण वाक्यन बुद्धि मोहे शिव में, तुम पहले कहते हो कि आपको शांति प्राप्त करनी चाहिए, ज्ञान अच्छा है, पर बाद में तुम युद्ध करने को बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? फिर 5वें अध्याय में वही सवाल पूछ रहे हो। और फिर 18वें अध्याय में जो पूछे, और 18वें अध्याय में पूछे आप संन्यास क्या है, त्याग क्या है, मुझे बताओ। अभी संन्यास मतलब क्या है, बाह्य रूप से वैराग्य, और त्याग मतलब अंतरंग से वैराग्य, फर्क क्या है? तो एसेंशियली वही सवाल है। तो कभी क्या होता है, वही सवाल जब होता है तो बार बार पूछा जाता है, तो क्या होता है, जो जिसको सवाल पूछा जा रहा है उसके 2 प्रकार के प्रतिक्रिया हो सकती है। एक है कि गुस्सा हो जाना, क्या है पहले जवाब दिया, तुम कितने बुद्धू हो, समझ में नहीं आता है कि तुमको। एक है कि वो गुस्सा हो जाना, और दूसरा है वही सवाल पूछा बिल्कुल वही जवाब वापस दे देना। तो अभी वो जवाब पहले दे चुके हैं, तो कभी कभी वही जगह जवाब देता है, वही जवाब वापस देते, द प्रॉब्लम वॉज नॉट इन माई हियरिंग। कह सकते मैं पहले भी जवाब सुना है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो वही सवाल अर्जुन बार बार पूछते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, द एक्सपर्ट टीचर, जो इनएक्सपर्ट टीचर है, अगर वही सवाल बार बार आ गए तो रिपीट
सो अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है अगर सेम क्वेश्चन रिपीट होता है तो फिर एक है क्या है कि एंगर गुस्सा होना और दूसरा है वही जवाब वापस देना. पर एक्सपर्ट टीचर क्या करता है इसमें से कुछ और करता है कि आंसर फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अलग अलग पहलुओं से जवाब दो और वही भगवान करते भगवद गीता में. तो पहले भगवान जो जवाब देते हैं मैंने बताया वो तुम्हारी पहचान समझो. पहचान समझोगे तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है आत्मा के स्तर पे कर्तव्य है वह समझ पाओगे. फिर तीसरे अध्याय में जब भगवान वो जवाब देते हैं भगवान तो क्या करते हैं वो ये देखते हैं कि तुम्हारा जो जो हम कार्य करते हैं वो कार्य का परिणाम कैसे होता है वह उस पर निर्भर है तुम्हारे कर्तव्य योर पोजिशन एंड योर डिस्पोजिशन तुम्हारा अंतरंग भाव क्या है और तुम्हारी बाह्य जिम्मेदारी क्या है. तो उसके आधार पर भगवान जवाब देते हैं. पांचवें अध्याय में भगवान जब जवाब देते हैं वो क्या करते हैं तभी वो ये विश्लेषण करते हैं किस तरह से जो कर्म होता है उसका बंधन क्यों होता है. एक्शन कॉजेज बॉन्डेज बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. तो तभी वो कर्म का जो रहस्य उस पर विश्लेषण करते हैं. और 18वें अध्याय में वो क्या करते हैं भगवान ने 14वें अध्याय में तीन गुणों के परिचय किया है. तो अभी जवाब देते हैं वो तीन गुणों के आधार पर विश्लेषण करके जवाब देते हैं. तो अलग अलग तरह से भगवान जवाब दे रहे हैं. पर जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी यहाँ पे ओके ओके तो ये हम देख रहे थे. तो इसमें से अभी कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग चार योग भगवद गीता में बताए गए हैं. तो इनमें से कर्मयोग कहाँ आएगा इन चार में से. अटैच्ड एक्शन योग है तो वो अटैच नहीं हो सकता है वो कर्म भोग अटैच एक्शन होगा. कर्म योग जो क्या है ये कर्म योग डिटैच एक्शन है. और फिर ध्यान योग कहाँ आएगा. यस ध्यान योग और ज्ञान योग ये दोनों जो है ये अगर वास्तव में उनको प्रैक्टिस करना है तो क्या चाहिए आपको आपको वैराग्य चाहिए. असली वैराग्य बिना ये नहीं कर सकते. और भक्ति योग कहाँ आएगा. भक्ति योग भी यहाँ पे आता है डिटैच एक्शन में आता है. तो मतलब भगवान क्या कर रहे हैं ये एज ए नॉलेज एक्सपैंड्स आवर ऑप्शंस. तो डिटैच्ड एक्शन के भी अनासक्त कार्य के भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं. अनासक्त कार्य मैं क्यों अनासक्त कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए वो एक स्तर है. दूसरा है मैं अनासक्त कार्य क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है. मुझे कर्म के फल से आसक्ति नहीं है मुझे भगवान को प्रसन्न करना है. तो उस तरह से डिटैच्ड एक्शन के अलग अलग स्तर हो सकते हैं. और कोई वैराग्य भी ले रहा है ज्ञान योग से वैराग्य ले सकता है ध्यान योग से वैराग्य ले सकता है तो अलग दृष्टि से वैराग्य ले सकते हैं. तो भगवान क्या कर रहे हैं गीता में सॉरी ओह गॉड इट्स फनी ओके. तो अभी भगवान गीता में एक तरह से पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग से भक्तियों कैसे जाते बताते हैं और फिर जो आखिरी 6 अध्याय है उनमें ज्ञान योग से भक्तियों कैसे जाते हैं वो बताते हैं. मतलब आप ज्ञान योग करो आप प्रकृति का विश्लेषण करो उनके तीन गुण कैसे है वो बताओ और फिर उससे क्या समझो आप कैसे इसकी जो अंत है वो भक्ति योग में आता है. 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा. जो ब्रह्म भूत की प्राप्ति करे वो ज्ञान योग की पराकाष्ठा है. वो प्राप्त कर लिए व्यक्ति ने पर उसके बाद में क्या होता है मद भक्तिम लभते पराम. तो ये पहले 6 अध्याय और आखिरी के जो 6 अध्याय है उसमें भगवान खुद की महिमा बहुत कम बता रहे हैं. अगर आप देखेंगे पहले 6 अध्यायों में भगवान खुद के बारे में कहाँ बोलते हैं बहुत कम खुद का उल्लेख करते. दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में बोलते हैं फिर 3रे अध्याय के 22 से 24 श्लोक में बोलते हैं 30वें श्लोक में फिर 4थे अध्याय के 50-25वें श्लोक में बोलते हैं फिर 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में
फिर छठे अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में और फिर 45वें श्लोक 27वें पूरे 6 अध्यायों में लगभग सिर्फ 8-10 श्लोक है जिसमें भगवान खुद के बारे में बोल रहे हैं। तो जब कर्मयोग के बारे में बोल रहे हैं भगवान तो वो कर्मयोग सिखाते हैं, तभी खुद की महिमा नहीं बता रहे। उसी तरह से जब वो ज्ञान योग सिखा रहे हैं आखिरी उसमें भी खुद की महिमा नहीं बता रहे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ भी बात कर रहे हैं वो अपने बारे में बोलते रखते हैं। बट इट इज अमेजिंग, कृष्णा इज अ वेरी फोकस्ड टीचर। कृष्ण खुद की महिमा अभी कर्मयोग के अध्याय में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब वो कर्मयोग की पराकाष्ठा बताते हैं तभी वो खुद की महिमा बताते हैं। कि कर्मयोग करते करते सबसे उच्च सर्वश्रेष्ठ क्या स्थिति है कि आप भक्ति तक पहुंच जाओगे, आप भगवान में आपका स्मरण हो जाएगा। तो पर बीच में क्या अध्याय जो है, बीच के 6 अध्याय जो है वहां पे भक्ति योग सिखा रहे भगवान। और भक्ति योग जब सिखाना है तो भक्ति योग का उद्देश्य क्या है, भगवान में मन लगाना। तो अगर भगवान में मन लगाने के लिए भगवान की महिमा बताना जरूरी ही है, उसके बिना हम भगवान में मन कैसे लगाएंगे। सो व्हेन कृष्णा इज स्पीकिंग हिज ग्लोरीज इट इज नॉट टू सिंपली ग्लोरीफाई हिमसेल्फ, इट इज टू असिस्ट अर्जुना इन द प्रैक्टिस ऑफ भक्ति योगा। भगवान खुद की महिमा क्यों बता रहे हैं, ना कि खुद को मैं कितना बड़ा हूं तुम समझो, पर भक्ति योग करने के लिए जिसकी भक्ति करनी है उसका स्मरण कैसे करें वो बता रहे हैं भगवान। इस तरह से जो भगवान बता रहे हैं वो एक तरह से वो अर्जुन के लिए ही बता रहे हैं। और खास करके जब मैं दो जो भगवान का कैसे कैसे फोकस टीचर है और कृष्णा कैसे ही इज अ लविंग टीचर, ये हम देखेंगे दो प्रसंगों से। खास करके अभी 10वें अध्याय में इसको विभूति योग कहते हैं। तो 10वें अध्याय में अर्जुन बताते हैं, भगवान बताते हैं कैसे कि मेरे भक्त हमेशा मेरा स्मरण करते हैं और मेरा श्रवण हमेशा करना चाहते हैं। तो तुरंत अर्जुन भी पूछते हैं कि आपकी महिमा मुझे और बताओ। तो जो महान भक्तों के लक्षण है वो अर्जुन दिखाते हैं, और जब अर्जुन से दिखाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी विभूतियाँ बताते हैं। पर जब विभूतियाँ बता रहे होते हैं तो जब 10वें अध्याय के अंत की ओर आते हैं तब भगवान कहते हैं कि पांडवानाम अहम, कि पांडवों में मैं कौन हूं। और तभी अर्जुन सोचते हैं तो युधिष्ठिर कहेंगे, युधिष्ठिर तो इतने धर्मनिष्ठ है, पर भगवान क्या कहते हैं, पांडवानाम अहम धनंजय, अर्जुन धनंजय नाम लेते हैं। तभी अर्जुन आकर पांडवा नाम धनंजय क्यों कहते हो। तो अभी कुछ लोग कहते हैं 10वें अध्याय में भगवान ने पूरा मायावाद बताया है, मैं पानी हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो मायावाद नहीं है वास्तव में। अगर मायावाद होता वो कि हम सब कुछ भगवान ही है तो भगवान अर्जुन कहते हैं अरे पांडवा नाम हम धनंजय, मतलब मैं भी भगवान ही हूँ, मैं भी कृष्ण ही हूँ, तो तुमको भगवदगीता बोलने की जरूरत नहीं, कुछ चुप हो जाओ तुम अभी। वो नहीं कहते, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो ये विभूति बता रहे हैं और सारे पांडवों में जो भगवान युधिष्ठिर में बहुत धर्म है, भीम में बहुत शक्ति है। वे क्या होता है, जब पांडवों का जन्म होता है तो आप जानते हैं कि पहले पांडवों को पुत्र नहीं हो रहे होते, तो फिर कुंती चाहती है, कुंती के पास वर होता है कि देवताओं की पूजा, देवताओं को याचना करके उनसे पुत्र हो। तो युधिष्ठिर महाराज पांडु सोचते हैं कि भाई राजा चाहिए तो राजा हमको धर्मनिष्ठ राजा चाहिए, तो इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे एक पुत्र दो जो जिसमें धर्म बहुत अच्छा हो। पर बाद में वो सोचते हैं कि धर्म तो महत्वपूर्ण है, नीतिवान हो चाहिए राजा, पर उसे शक्ति नहीं है तो क्या फ़ायदा है उसका। सो एथिक्स विदाउट पावर इज यूजलेस इन रियल लाइफ। कि आपके पास आपके बहुत नीति हो सकती है पर आपके नीति के साथ शक्ति नहीं है तो नीति का कुछ फायदा नहीं है, किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल्स हैव टू बी कंबाइंड विथ पावर टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए उसे मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसमें बहुत शक्ति हो, तो क्या है फिर वो भीम के पुत्र होते। फिर बाद में वो सोचते हैं कि वास्तव में ये नीति महत्वपूर्ण है, शक्ति महत्वपूर्ण है, पर इन सबसे ज्यादा भक्ति महत्वपूर्ण है, तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए उसमें भक्ति हो।
और तभी किसके जन्म होता है? अर्जुन का जन्म होता है। तो अभी अर्जुन जो है वह उनमें भक्ति विशेष है, और जीव गोस्वामी जो है वो गोपाल चंपू में बताते हैं कि अभी गोपाल चंपू ये बहुत ही एक विलक्षण ग्रंथ है। कैसे कि हर व्यक्ति हर चीज को अपनी दृष्टि से देखता है। वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज इट मैटर्स टू अस। कि हम जगत को जैसे हम जैसे जगत है वैसे नहीं देखते हैं, हमको क्या महत्वपूर्ण है उसके अनुसार हम जगत को देखते हैं। कोई भूखा व्यक्ति किसी घर में आता है, सबसे पहले देखता है खाने की चीज़ कहाँ है। कोई क्रिकेट का बहुत शौकी है तो घर किसी घर में आता है हमें टीवी कहाँ है। हर एक अपने अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो जीव गोस्वामी जो है वो कृष्ण लीला को वृंदावन की दृष्टि से देखते हैं। जो महान भक्त होते हैं उनका कोई स्वार्थी भाव नहीं होता है, निस्वार्थ भाव होता है। तो वो एक ब्रज रस से बताते हैं कि अर्जुन इतने प्रिय क्यों थे भगवान को। वो कहते हैं कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं तो हमेशा उनको वृंदावन का ही स्मरण होता है, और जब वृंदावन का स्मरण हो रहा है तो जो भी उनको वृंदावन का स्मरण कराता है उनके उनसे वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पांचों पांडवों में एक पांडव है जिसका नाम एक व्रज गोप से मिलता है। वो पांडव कौन है? अर्जुन। तो इसीलिए अर्जुन का नाम सुनते ही भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अभी यह जो है व्रजरस है, हर जगह पे हम कहते हैं कृष्ण भावना, मतलब हर जगह पर कृष्ण को देखना। पर जो है अभी गोस्वामी है वो न केवल कृष्ण भावना में है, वो व्रज कृष्ण की भावना में है। हर जगह पे वो न केवल कृष्ण देखते हैं, व्रज कृष्ण को देखते हैं। तो यह पांडवानाम अहम धनंजय भगवान के बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन में विशेष भक्ति है, और अर्जुन ने जो संदेश जो भगवद गीता का वो केवल अर्जुन को ही दिया है। और फिर जब इस तरह से जो भगवदगीता में 12 पिछले के 6 अध्याय में जो भगवान बता रहे भक्ति का महिमा, हर चीज का उद्देश्य है कि कैसे भगवान अर्जुन को मदद कर सके उसको सही पहला फैसला करने में। और अंत में जब गीता का अंत आता है तो 18वें अध्याय में आते हैं। अभी गीता का अंत कहाँ होता है इसमें आचार्यों ने कई विश्लेषण किया है। देर आर 6 पॉसिबल एंडिंग्स ऑफ द भगवदगीता, 6 जगह पर गीता खत्म हो सकती है। 1863, 1866, 1872, 1873, 1878। ये 5 जगह हो गए, छठी मैं बाद में बोलूँगा। तो अभी 1863 में क्या होता है, अभी भगवान क्या होता है, अभी अर्जुन मैंने मेरा संदेश पूरा कर लिया है, विमृशयित दशेषेन यथेचितता कुरु, अभी तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना है। तो गीता का अंत जो हो रहा है वो कहाँ होता है, अलग अलग दृष्टि से हम देख सकते हैं। इससे भी हम कैसे अभी 63 में भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन अभी तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना है, मैंने बता दिया है। So, this is an end from the explanation perspective. अभी मान लीजिए कोई किसी को बहुत बीमारी हो गई है, किसी को कैंसर हो गया है, वो डॉक्टर उनको बताते हैं कि तुम अभी इसके ये टैबलेट से ट्रीटमेंट ले सकते हो, तुम कीमोथेरेपी कर सकते हो, तुम रेडियोथेरेपी कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, अभी तुम्हें फैसला करना है तुम्हें क्या करना है। तो एक एक्सप्लेनेशन की दृष्टि से, एक समझाने की दृष्टि से 63 में एंड हो जाता है, तुम ये कर सकते हो, ये कर, तुम्हें फैसला करना है क्या करना है। अभी ये जो है एक तरह से भगवान अर्जुन के इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अर्जुन के व्यक्तित्व को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हें फैसला करना है। पर अभी क्या होता है, लव जो प्रेम होता है अलग अलग दृष्टि से एक्सप्रेस होता है। एक है कि दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम आदर करें, पर अगर दूसरा व्यक्ति चाहता है कि आप क्या चाहते हो मैं करूं, नहीं तुम जो चाहते हो तुम करो, हाँ मैं वो जो कहता मैं करूंगा, पर आप क्या चाहते हो बताओ मुझे आप। तो ऐसे जब अर्जुन को बताते हैं भगवान कि तुम्हारी इच्छा है तुम करो, तो अर्जुन विचार में पड़ जाते हैं क्या करना है मुझे, क्या करना है। तो वो सोचते कि मैं वो करना चाहता हूँ जो भगवान बताए,
पर भगवान ने उस अध्याय में वो बताया है, उस अध्याय में वो बताया है, उस अध्याय में बताया है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अभी जो दो लोग अगर उसमें बहुत अच्छा संबंध होता है तो क्या होता है, बिना कुछ बातों के एक दूसरे का चेहरा देख कर, एक दूसरे का चेहरे का भाव देख कर समझ जाते उसके मन में क्या चल रहा है। दो लोगों में अच्छा संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे को चीखते हैं तो भी समझते नहीं है। तो अर्जुन का हृदय भगवान समझ जाते हैं, और इसीलिए क्या करते हैं फिर, तभी भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, सर्व गुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अभी सबसे गुह्य मैं संदेश मैं आपको बताऊंगा, जो अभी तक बताया है उससे और गुह्य बताऊंगा। तो उसके बाद में भगवान कहते हैं मनमना भव और सर्वधर्मान परित्यज्य। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि अभी क्या हो रहा है, पहले भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो, और फिर बाद में सर्वधर्मान परित्यज्य मां में कम शरणम करो। तो मेरी इच्छा तो क्या है, भगवान अर्जुन की इच्छा को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है। ये जो है 66 में जो है द एंड इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे भगवान अपना उपदेश पूरा करते हैं। ठीक है, अगर तुम जानना चाहते हो मैं क्या कर, मैं क्या, व्हाट इज माय रिकमेंडेशन, जैसे डॉक्टर बोलेंगे तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, तुम्हें फैसला करना है, बोलेंगे डॉक्टर आपका रिकमेंडेशन क्या है। तो अगर आपके परिवार में कोई किसी कोई बीमारी होती तो आप क्या रिकमेंड करते, तो वैसे अर्जुन पूछ रहे कृष्ण आप क्या रिकमेंड करते हो, तो भगवान कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, मेरी भक्ति करो, मेरे शरण में आ जाओ, माम एकम शरणम व्रज। तो जो जो प्रेम होता है वो अलग अलग तरह से दिखता है। जब किसी को हम प्रेम होता है उस व्यक्ति के स्वतंत्रता को हमें आदर करनी चाहिए, अगर वो कुछ नहीं करना चाहते ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए उसको, रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस। बट प्रेम का एक और लक्षण होता है कि एक्सप्रेस डिजायर, हमारी जो इच्छा है, हमारी जो प्रेरणा है वो बतानी चाहिए हमको। अगर हम हमें हम क्या चाहते हैं बताएंगे नहीं तो दूसरा व्यक्ति शायद हमें प्रसन्न करना चाहता है, उसको पता नहीं चलेगा। तो कब आते तुम जो चाहते तुम करो, कब मैं ये चाहता हूँ ये तुमको बताना था, ये दोनों का जो समन्वय। तो भगवान क्या करते हैं, पहले तुम जो चाहते तुम करो, मैं तुमको समझा दिया अभी, पर अभी क्या है मैं जानना चाहता हूँ। अर्जुन कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, तो तभी भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो कभी कभी कहते लोग कहते हैं कि भगवीता में अलग अलग चीज़ें अलग लोगों के लिए बताई गई है, जो लोग कर्मयोग करना चाहते हैं उनके लिए कर्मयोग बताया गया है, जो लोग ज्ञान योग करना चाहते हैं उनके लिए ज्ञान योग बताया गया है, जो लोग भक्ति योग करना चाहते हैं उनके लिए भक्ति योग बताया गया है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग चीज़ बताई गई है, क्या ये सत्य है? कितने लोग कहते हैं सत्य है ये? डज द गीता टीच डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल? यस, हाँ, गीता जो है एक तरह से इंक्लूसिव है, जो कर्मयोग करना चाहते हैं उनको भी भगवत मार्गदर्शन है, जो ज्ञान योग करना चाहते हैं उनके लिए भी मार्गदर्शन है, ध्यान योग करना चाहते हैं उनके लिए मार्गदर्शन है। बट गीता इज इनकनक्लूसिव, इज इंक्लूसिव बट नॉट इनकनक्लूसिव। वो अनेक मार्ग बताती है, पर भगवदगीता में अंत में जो तुम चाहते हो करो ऐसा नहीं, भगवान मैं क्या चाहता हूँ वो भी बस पक्त कर रहा हूँ, वो स्पष्ट रूप से बताते हैं। इट इज इंक्लूसिव एंड कंक्लूसिव, इंक्लूसिव बट नॉट इनकनक्लूसिव। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं कहाँ था, मैं टोरंटो में था गीता जयंती के लिए, और वहाँ पे वो हिंदू फंक्शन था, तो अभी वो कुछ बच्चे गीता रिसाइड कर रहे थे, कुछ श्लोक रिसाइड कर रहे थे सिलेक्टेड वर्सेस, तो ये 1866 पे आ गए और रिसाइड करने लगे सर्व अधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो सर्व अधर्मान परित्यज्य, तो मैंने बाद में ऑर्गेनाइजर को पूछा ये क्या, ये श्लोक आपने को बदल दिया है? तो उन्हें कोई उन्होंने गीता बताई, बोले कि एक क्या है कि आप जानते हैं शब्द राइड पिगी बैक, राइड पिगी बैक मतलब क्या है कि बच्चा किसी के कंधे पे बैठ के चलता है। तो अभी प्रभुपाद जी की गीता जो है बहुत पॉपुलर है, सबसे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा वितरित हुई है, पढ़ी हुई है। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता एज इट इज लिखे, तो किसी एक ऑथर ने गीता लिख दी भगवद गीता एज इट वॉज। तो और उसका क्या अपना एक थियोरी था कि क्या है कि ये जो श्लोक था वास्तव में
ये भगवान तो धर्म स्थापना करने के लिए आए हैं, धर्म संस्थापनार्थ है, तो भगवान कैसे कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज। तो जब बोले भगवदगीता के जो लिख रहे थे ना, तो पहले ओरिजिनली अधर्मान था, पर कोई अ लिखने को भूल गया, तो जो वो भूल गया अभी हम वापस लिख रहे हैं वो, तो इसलिए सर्व अधर्मान परित्यज। तो मैं बोला दिस इज नॉट जस्ट स्पेक्यूलेशन, इट इज स्टुपिडिटी, ये केवल मनोभ्रम नहीं है, मूर्खता है। क्या है, अर्जुन को अधर्म छोड़ने के लिए जरूरत बोलनी ही नहीं है, वही तो उसकी चिंता थी, मैं अधर्म नहीं करना चाहता। तो अर्जुन की चिंता शुरुआत में क्या थी कि मैं अधर्म नहीं करना चाहता था। तो अगर मान लीजिए कोई बोलता है, हमारे पास आता है और वो बोलता है कि मुझे मुझे कोई बुरे शब्द नहीं बोलने, तो यहाँ पे अलग अलग देशों में क्या होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स आर कंसिडर्ड बैड वर्ड्स। तो मैं अभी इस देश में आया, आई डोंट वांट टू स्पीक एनी बैड वर्ड्स, और हम बोलते हैं डोंट स्पीक एनी बैड वर्ड्स। अरे मैं वही तो करना चाहता हूँ, वही बताने की जरूरत नहीं मुझे। तो अर्जुन को कहता सर्वधर्मान परित्यज, ये क्यों बता रहे, ठीक है मुझे कुल धर्म करूँ क्षत्रिय धर्म करूँ, तो भगवान बोलते तुम ये सब विचार छोड़ दो, और तुम्हारा पराधर्म क्या है, मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति करो तुम, माम एकम शरणम व्रज। प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो हिप्पी लोग थे उन्होंने सर्वधर्मान परित्यज कर दिया था पहले से, पर प्रभुपाद जी ने उनको माम एकम शरणम व्रज सिखाया। तो ये जो है ये भगवद गीता का इंस्ट्रक्शन के रूप में एंड, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन ऑफ कृष्णाज लव, वो कह कृष्ण के प्रेम का व्यक्तिकरण है। कृष्ण कह रहे हैं कि वास्तव में अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें अगर कुल धर्म को छोड़ दोगे तो उससे कुछ पाप हो जाएगा, नहीं कुछ भी पाप हो जाएगा मैं उसको संभाल लूँगा। इसे कैसे होता है कि कोई मिलिट्री में कोई जनरल है और कोई बड़ा ऑपरेशन है, नॉर्मली कि ऑपरेशन करना है तो आपको इसका परमिशन लेना है, ये अटैक करना है तो इसका परमिशन लेना है, ये करना है वो करना है, तो पर जनरल बोलता है एक सोल्जर को, एक सैनिक को बोलता है कि अभी ये इतना इमरजेंसी है कि तुम सीधा जाओ, पर प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं संभाल लूँगा सब कुछ, उसके संभालने की क्षमता है। उस तरह से भगवान क्या करे कि तुम सिर्फ माम एकम शरणम व्रज करो, अगर कुछ भी समस्या आ जाएगी, कुछ भी पाप हो जाएगा, कोई कहेगा मैं संभाल लूंगा उसको। तो यहां पे जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शन का एंड है, ये दूसरा एंडिंग है भगवद गीता का। अच्छा इसका एंडिंग होने वाला है कि नहीं, ओके। तो इसके बाद में अभी एक तरह से यहां पे एंड हो सकता है, पर इसके बाद में भगवान बोलते हैं एक तरह से फलश्रुति आती है। फलश्रुति मतलब क्या कि जो भगवान खुद बताते हैं, जो मैंने संदेश बताया वो कितना महत्वपूर्ण है, सबसे पहले बताते कि इतना महत्वपूर्ण है कि सबको मत बताओ ये, तुम जिनको जो इसकी वैल्यू नहीं करेंगे उसको मत बताओ। तो ये ऐसे नहीं, अभी एक तरह से वो जैसे मैं जैसे पहले बताता कि जो लोग भगवदगीता को किसी कमेंट्री के बिना खुद पढ़ते तो उनको पूरा भगवदगीता बोलेंगे सारा विरोधाभास लगता है। छठे अध्याय, इसी अध्याय में भगवान बोलते 67 में कि ये सबको मत बताओ आप, और बाद में जो सबको बताता है उसे बहुत बहुत प्रिय होता है मुझे। तो ये क्या चल रहा है, तो ये कैसे है, वास्तव में भगवान बता रहे कि इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना चा शुश्रूष विवाच्यम जो माम यो अभ्यस्यति। से मान लीजिए कोई पिता है, उनके बहुत संपत्ति है और उनका एक पुत्र है, उनको बहुत प्रिय है, बहुत जिम्मेदार है, बहुत कर्तव्य निष्ठ है, और तब पिताजी क्या करते हैं, अपने अपने कमरे में अपने को एक हिडन ट्रेजरी है, एक खजाना है, किसी को पता भी नहीं है। तो वो कहेंगे कि खजाना में तुमको दिखाया है, किसी और को मत बताओ, ये तुम्हारे बाकी भाई बहन है वो भी गैर जिम्मेदार है, वो उनको पैसा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब उसको खर्च कर देंगे, तो उनको किसी को मत बताओ एक तरह से। पर वास्तव में पिता की धन संपत्ति किसके लिए, अपने बच्चों के लिए ही है, पर वो क्या कहते हैं तुम्हारे जो भाई बहन है वो जब जिम्मेदार हो जाओगे, परिपक्व हो जाएंगे, तब उन सबको बताओ, उन सबको तुम जिम्मेदार बनाओ, और जिम्मेदार बन जाएंगे तो उन सबके लिए ही तो ये। तो ये दिस इज नॉट अ डिफरेंस इन मैसेज, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन इन मैसेज, इट्स अ डिफरेंस इन मूड। कि भगवान जब पहले बोलते हैं कि किसी को मत बताओ ये, एक्चुअली अगर देखेंगे जो तपस्या नहीं, इदमते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना, जो जिनका सेवा भाव नहीं है, जो तपस्या नहीं कर रहे हैं, जिनमें भक्ति नहीं है, तो वो देखे तो अभी कौन बचा है इस जगत में, कोई बचा नहीं, ऐसे लगे हमको तो किसको देना है। पर भगवान क्या करेगी, डोंट गिव दिस मैसेज टू दोज हु विल नॉट वैल्यू द मैसेज। तो फर्स्ट इनकरेज देम टू वैल्यू द मैसेज, देन गिव द मैसेज। तो इसीलिए
तो प्रभुपाद जी भगवद्गीता का सब वितरण करने को बोलते थे, पर उसके साथ साथ भगवान जी थे कि हमें शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्या होगा, लोग भगवद्गीता लेंगे पर वो पढ़ेंगे नहीं उसको, उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो अभी भगवान कहते हैं कि ठीक है क्या करना है, भगवान चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवद्गीता के संदेश से जुड़े। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि तुम सारे विश्वभर में प्रचार करो और तुम बहुत प्रिय हो जाओगे इसे। अभी कोई कहेगा बाप रे विश्वभर में कौन प्रचार करने वाला है, ये तो बड़ा मुश्किल है ये। तो ठीक है तुम प्रचार नहीं कर सकते, तुम कम से कम इसका अध्ययन करो। तो कैसे है कि अभी मान लीजिए कोई किसी कुएं में गिरा हुआ है और बाहर से व्यक्ति रस्सी फेंकता है, तुम ये रस्सी पकड़ो और चढ़ के आ जाओ बाहर। अंदर से व्यक्ति कहता है बाप रे चढ़ना कितना मुश्किल है, मेरा सारा शरीर का वजन मुझ पर आ जाएगा, मैं नहीं चढ़ सकता। तो ठीक है बोलता है कि ठीक है तुम ये रस्सी को अपने कमर में बांध लो और मैं तुमको खींचता हूँ। तो ऐसे भगवान कहते तुम प्रचार नहीं कर सकते, तुम कम से कम भगवद्गीता का अध्ययन तो करो, तो उससे भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो तो कहता है अरे पर मैं कमर को मेरे रस्सी बांध लूंगा तो कमर में कितना दर्द होगा मुझे, तुम खींचने वाले हो ये जमेगा नहीं मुझे। कहते मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता इसकी, ये पढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो फिर बाहर से वो व्यक्ति जो कहता ठीक है मैं क्या करता हूँ एक रस्सी भेजता हूँ, रस्सी के नीचे एक अच्छा एक टब बांध के भेजता हूँ, तुम टब में बैठो मैं तुमको खींचता हूँ बाहर। तो वैसे भगवान कहते हैं ठीक है तुम पढ़ाई भी नहीं कर सकते तो फिर श्रवण तो करो भगवद्गीता का, उससे भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो ये 71 जो है 68 to 71 वो दिखा रहे भगवान कितने भगवान ईगर है, कितने एक तरह से उतावले है कि हम उनसे संबंध जोड़े, हम वो ज्ञान को समझे जिससे हम संबंध जोड़ सके उनके साथ। यहाँ पे जो मैं बोला हिडन एंडिंग जो है 71 इट इज द ग्लोरिफिकेटरी एंडिंग, कि भगवद्गीता का ज्ञान इतना स्पेशल है कि किसी न किसी तरह से तुम कनेक्ट हो जाओ। जैसे हम कहते हैं ये न के न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, किसी किसी भगवान में आप स्मरण करो तो ऐसे ये न के न प्रकार है ना आप गीता के संग में आ जाओ, ऐसे भगवान बता रहे हैं। और फिर इसके बाद में क्या है 72 में भगवान एंड करते हैं, भगवान के इधर द स्पीकर्स लास्ट वर्ड्स। जैसे कोई प्रचारक अभी आप सब इंतजार कर रही है प्रवचन कब खत्म होने वाला है तो जैसे वक्ता का वो प्रवचन खत्म हो रहा है, ये दिस आर कृष्णा लास्ट वर्ड्स। बट क्या है कभी कभी होता है कि प्रवचन खत्म हो जाता है पर आखिरी वचन क्या बोलते हैं, क्या आपका कोई सवाल है, और फिर 10 सवाल आ जाते हैं बाप रे तो क्या आपका खत्म होगा ऐसे लगता है। पर अर्जुन कृष्ण सवाल पूछ रहे हैं, कृष्ण सवाल पूछते हैं, 2 सवाल पूछते हैं अर्जुन से कि क्या है, क्या तुम सुन पाए और क्या तुम समझ पाए। अभी जब ये सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम सुन पाए, ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे नहीं है कि अर्जुन क्या तुम अभी कुछ डिड यू हियर व्हाट आई एम स्पीकिंग, मतलब क्या है तुम डिस्ट्रैक्टेड थे क्या था, एक तरह से अपमान लगता है क्या मैं सुन रहा था ना। पर भगवान यहाँ पे संवेदनशीलता दिखा रहे, चाहते थे कि अर्जुन भगवद्गीता के शुरुआत में इतने भाव विवल हो गए थे कि वो रो रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था उनको, तो तभी अभी गीता सुना रहे हैं तो वो सुना रहे थे क्या तुम सुन पाए और क्या तुम समझ पाए। भाई एकाग्र न चेतस, क्या आप सुन पाए और अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते, क्या आप समझ पाए। सो दीज टू क्वेश्चंस आल्सो एक्सप्रेस कृष्णाज लव फॉर अर्जुन, मतलब न केवल एक लेक्चर दे रहे हैं ऐसे नहीं है, वो चाहते हैं कि जो बोल रहे हैं वो समझ पाए। और आचार्यगण बताते हैं कि कह रहे हैं कि अगर आप समझे नहीं कुछ पार्ट मैं वापस बोलने के तैयार हूँ, और पूरा बताना है वापस पूरा मैं वापस बताने के तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम समझो। और फिर जो 73 में जो एंडिंग होता है वो एंडिंग क्या है कि वो अर्जुन के ऐसे ऐसे कोई सवाल है और कहते कि नहीं कोई सवाल नहीं है समझ गया हूँ मैं सब कुछ। पर अर्जुन ये नहीं कहते कि भगवद्गीता के एंड में अर्जुन कहते कृष्णा ग्रेट लेक्चर, नहीं वो नहीं कहता बहुत अच्छा लेक्चर था। अर्जुन क्या कहते हैं करिष्ये वचनम तव, अभी मान लीजिए कोई कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबको समझाते हैं तुम्हारी बीमारी है, अच्छा है, अच्छा नाइस टॉक डॉक्टर अभी डॉक्टर वहाँ पे आपको टॉक नहीं दे रहे, आपको डायरेक्शन दे रहे, ठीक है मैं समझ गया कितना गंभीर चीज़ है बीमारी, ऐसे दवाई लेनी है समझ गया मैं, तो उस तरह से समझाते हैं उसको। और फिर उसके बाद में तो यहाँ पे जो है ये एक तरह से लिसनर्स एंडिंग,
या क्वेश्चनर्स एंडिंग। फिर उसके बाद आखिरी पांच श्लोक ही बताते हैं, क्योंकि भगवद्गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से होती है। धृतराष्ट्र को अगर आप धृतराष्ट्र इनडायरेक्टली सवाल पूछते हैं कि वो रणभूमि में क्या हुआ, और अभी इनडायरेक्ट सवाल का जवाब इनडायरेक्टली ही देते हैं। वो क्या कहते हैं कि अभी जब पूछ रहे हैं क्या हुआ, मतलब वो रणभूमि में क्या हुआ, मतलब क्या मेरे पुत्र जीते या नहीं जीते, तो भगवान का, तो वो संजय का जवाब दे रहे हैं उसका कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिरमतिर्म। वो बता रहे हैं कि जहाँ पे कृष्ण है, जहाँ पे अर्जुन है, वहीं पे यश है। मतलब वो उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र का यश नहीं होने वाला है। वो इनडायरेक्ट जवाब दे रहे हैं, पर इस जवाब में भी गीता का संदेश का एक कॉन्सेंट्रेटेड इंडिकेशन है। एक तरह से कहते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि इस आखिरी श्लोक में अर्जुन का उल्लेख करने की जरूरत क्या थी, कि जहाँ भगवान है वहाँ यश है, जहाँ भगवान है वहाँ पे शक्ति है, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे सारी महिमा है। तो द पर्पज ऑफ द गीता इज नॉट टू ग्लोरीफाई गॉड्स पोजिशन, द पर्पज ऑफ द गीता इज टू ट्रांसफॉर्म मैन्स डिस्पोजिशन। कि वहाँ जहाँ भगवान है वहाँ पे तो यश होने ही वाला है, वो बताने के लिए गीता नहीं बताई है। ये बताने के लिए गीता बताइए कि अर्जुन की विचारधारा बदल गई है। जो अर्जुन गीता के शुरुआत में उन्होंने अपने हाथ बाजू को कर दिया था, विसृज्य सचरम चापम शोक संविग्न मानसः, कि उन्होंने क्या कर दिया था, शोक में आके अपने उन्होंने अपना धनुष्य बाजू में रख दिया था। पर अभी क्या हो गया है, वही अर्जुन ने धनुष्य उठा लिया, यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो गीता का उद्देश्य केवल भगवान को अपनी महिमा बताना नहीं है, और वह उद्देश्य संजय भी समझ गए हैं। तो इसीलिए इट इज नॉट टू द पर्पज ऑफ द गीता इज नॉट टू प्रोक्लेम गॉड्स पोजिशन, कि भगवान कितने महान है, भगवान कितने महान है, वो बताया गया गीता में, पर वो गीता का उद्देश्य नहीं है। गीता का उद्देश्य क्या है कि ट्रांसफॉर्म मैन्स डिस्पोजिशन। कि अर्जुन जब भयभीत हो गए हैं, अर्जुन समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है मुझे, तो तभी भगवान बताते हैं अर्जुन को कि तुम्हें क्या करना है, कैसे अर्जुन की विचारधारा बदल जाती है, कैसे अर्जुन वास्तव में शरणागत होके भगवान की सेवा करने तैयार हो जाते हैं। तो ये गीता का संदेश ये है कि हम सबके जीवन में बहुत समस्याएं आ सकती है, ऐसी समस्या आएगी कि उसका कोई हल नहीं लगेगा, पर अगर हम सेवा भाव रखते हैं, ये सोचते हैं कि इस परिस्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई सर्व कृष्णा इन दिस सिचुएशन, वह सवाल रखेंगे तो जो भी समस्या आएगी उसका हल हमें धीरे धीरे मिल जाएगा, जो भी समस्या आएगी उसके परे हम जा सकते हैं। से अर्जुन हताश हो गए थे समस्याओं को देखकर, पर अर्जुन उनका हताशता पूरी चली गई, उत्साह आ गया। वैसे गीता का संदेश समझेंगे तो अर्जुन को उत्साह क्यों आ गया, क्योंकि वो समझ गए कि कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण का योजना है सबके कल्याण के लिए, कृष्ण सबके हित चिंतक है, सुहृदं सर्वभूतानां। तो सबके कल्याण के लिए जो कृष्ण कर रहे हैं वह अगर उसमें मैं सहभागी होगा तो मेरा कल्याण होगा और मेरे द्वारा सबका भी कल्याण हो जाएगा। तो यह आश्वासन जिस हद तक हम सब में आएगा गीता के अध्ययन से, उससे हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। वास्तव में आत्मविश्वास जो है, अगर आत्मा हम समझेंगे तो इट इज़ नॉट जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट इज़ कॉन्फिडेंस इन द सेल्फ, बिकॉज द सेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। कि जो हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि आत्मा ये परम आत्मा का एक अविभाज्य अंग है। इस तरह से अल्टीमेटली अर्जुना केवल धर्म नहीं कर रहे, अर्जुना भक्ति कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको इसे बदला लेना है, इसलिए नहीं युद्ध कर रहे क्योंकि क्षत्रिय है, अर्जुन युद्ध कर रहे क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और उस सेवा भाव से इस तरह से अर्जुन भी यशस्वी होते हैं, हम भी समस्या आएगी हमारे जीवन में पर हम समस्याओं के परे जा सकते हैं। मच्चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसी, आप सारी समस्याओं को मेरी चेतना में रह के पार जा सकते हो। तो सारांश में आज मैंने चार चीज़ों पर चर्चा की, किस तरह से सबसे पहले कि गीता क्या है,
गीता जो है भगवान का प्रेम का संदेश है, तो अर्जुन को धर्म उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि धर्म उपदेश मतलब कौन सा धर्म सबसे महत्वपूर्ण है बता रहे हैं, कुल धर्म या क्षत्रिय धर्म, तो वो बताने के लिए भगवान उपदेश दे रहे। तो लव इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फुलफिलिंग द नीड एट अ पर्टिकुलर, जो जरूरत है वो पूरी करके प्रेम व्यक्त करते हैं। और फिर दूसरा हम देखा कि कैसे नॉलेज एक्सपैंड ऑप्शंस, कि भगवान अर्जुन के जो पर्याय है विस्तार करते हैं। युद्ध या करना, युद्ध करना ऐसे नहीं है, वैराग्य कर्तव्य का कर्म या वैराग्य नहीं है, क्या है, चार पर्याय है हमने देखा, कि आसक्त कर्म, अनासक्त कर्म, कृत्रिम वैराग्य और असली वैराग्य। और फिर उसके बाद में भगवान की जो शिक्षाएं हैं वो क्या है, इंक्लूसिव और कंक्लूसिव, वो अनेक मार्ग बताते हैं, कर्मयोग बताते हैं, ज्ञान योग बताते हैं, ध्यान योग बताते हैं, भक्ति योग बताते हैं, पर किस तरह से हर मार्ग से कैसे भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है बता रहे हैं। कर्मयोग से भक्ति योग पहले छः अध्याय में है, पीछे छः अध्याय, बीच में के छः अध्याय में भक्ति योग ही है, वहीं पर भगवान अपना खुद का गुणगान कर रहे हैं। और गुणगान इसलिए नहीं कर रहे कि खुद को बढ़ा चढ़ा के बोलना है, क्योंकि भक्ति योग में मदद करने के लिए वो खुद का गुणगान कर रहे हैं। और आखिरी छः अध्याय में वो कैसे ध्यान योग से भक्ति योग तो जाना है, ज्ञान योग से भक्ति योग जाना है वो बता रहे हैं। और फिर हम आखिरी चीज देखिए गीता की, कितने एंडिंग्स थे हम देखे, 63, 66, 71, 72, 73 और 78। यस, सो गीता के 6 अंत, और हर एक अंत में हम भगवान का प्रेम देख सकते हैं। कैसे 63वें श्लोक में भगवान जबरदस्ती नहीं कर रहे, अर्जुन की स्वेच्छा का आदर कर रहे, पर अर्जुन जब कृष्ण की इच्छा जाना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से 66 श्लोक में बोलते हैं, और वो कितना चाहते हैं कि सब उनसे संबंध जोड़े, गीता का संदेश समझे, वो हम 71वें श्लोक में देखते हैं। तो कहते प्रचार नहीं कर सकते, तुम अध्ययन करो, अध्ययन नहीं करते कम से कम श्रवण तो करो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। फिर 72वें श्लोक में वो देखते हैं कि वो अर्जुन की परिस्थिति को समझ के वो बह रहा है कि मैं वापस दौड़ने को तैयार हूँ, क्या तुम समझ पाए। और फिर 73वें श्लोक में कैसे अर्जुन का परिवर्तन हो जाता है गीत का संदेश सुन के, वो दर्शाया जा रहा है, वो भी दैट इज द पोटेंसी, द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंसी ऑफ कृष्णाज लव। और वह 78वां श्लोक जो है, जो भविष्यवाणी बताई जा रही है वो एक तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध की बताई जा रही है, पर वो एक यूनिवर्सल प्रोफेसी भी है कुरुक्षेत्र के युद्ध के परे, जो अगर गीता का संदेश हम समझेंगे तो केवल हम भगवान की महिमा समझेंगे, पर उससे हमारी विचारधारा जो बदल जाएगी और उसी में हम सबका कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुरू में आपने ये बताया था कि जैसे भगवद्गीता जिग्सॉ पजल के समान है और उसके अलग अलग तरीके से अरेंज करके वो कुछ पिक्चर निकल सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब ये है कि कुछ संदेश एक ही है लेकिन उसको संदेश को देखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, मतलब किस तरह से? ओके, तो भगवद्गीता कैसे अलग अलग दृष्टि से देखा जा सकता है? देखिए अभी हम अलग अलग आचार्य के कमेंट्री देखते हैं, चक्रवर्तीपाद की जो कमेंट्री है वो रस पे आधारित है ज़्यादा, तो बलदेव विद्याभिषेक की कॉमेंट्री जो है तत्व पे आधारित है ज़्यादा। तो उसमें क्या है, अगर अलग अलग श्लोकों का उनका भाष्य देखेंगे तो काफ़ी अलग है, उनका जो फ्लो ऑफ थॉट है, थ्रेड ऑफ थॉट है वो अलग है। प्रभुपाद जी का कॉमेंट्री है वो प्रभुपाद जी काफ़ी अलग है, पर वो अंत में जो वो भगवान का संदेश है उसी पर कंक्लूजन आता है। जैसे आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो आत्माराम श्लोक का अर्थ बताते हैं, चैतन्य चरितामृत बताया कैसे, कितने सारे 64 एक्सप्लेनेशंस एक ही श्लोक के अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। तो भी क्या है ये, इस तरह से जो भगवान के वचन है उसमें अनेक अर्थ है। अभी देर आर मैनी मीनिंग्स डजंट मीन एवरी मीनिंग इज द राइट मीनिंग, ये समझना हमको जरूरी है। ऐसे नहीं है कि अनेक अर्थ हो सकते हैं, मतलब हर एक अर्थ सही अर्थ है, नहीं है।
इफ वी से एवरी मीनिंग इज अ राइट मीनिंग देन नो मीनिंग इज लेफ्ट. क्या है कि अगर कहते हैं हर अर्थ सही अर्थ है तो फिर क्या होता है, तो कुछ अर्थ ही नहीं है. क्या तुमको पानी चाहिए? हाँ. हाँ का मतलब है ना? नहीं. तो हाँ और ना का अर्थ ही नहीं रहा कुछ, इज़न्ट इट? सो वो अर्थ ऐसा है कि जो सिद्धांत है उसके अनुसार अर्थ है. पर के भगवान के वचन जैसे होते हैं कि वो ऐसे उसमें अनेक हम गूढ़ता से जा सकते हैं. तो इट्स लाइक ओके, एक आप मानते हैं कि तीर को मारते हैं, इंग्लिश में उसको बुलजाय कहते हैं, टारगेट को मारते हैं. तो टारगेट तो आप इधर से मार सकते हैं, टारगेट को इधर से मार सकते हैं, उधर से मार सकते हैं, इधर से मार सकते हैं. तो वैसे भगवान एक ही उद्देश्य क्यों जा रहे हैं, पर वो कैसे उद्देश्य को जा रहे हैं उसका उल्लेख, उसका विश्लेषण अलग आचार्यों ने अलग अलग पद्धति से किया है. ओके, थैंक यू. यस प्लीज. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, कपल ऑफ थिंग्स. आई जस्ट पिक फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम योर लेक्चर एंड देन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर थिंकिंग ऑन दिस. You talked about that person in the Stanford. He was proclaiming that Krishna is egoistic. Then again, you talked about the person. He was tolerating, but according to you, it was more passivity, right? Mm. Prabhuji, we all boil at different temperatures. Okay. Right. So we also have to understand at times that what is the capability and also the receptivity of the person at the other end. So what would you do in that Stanford example? Do you really want to have a talk with that person, or you just leave that person when he talks about that Krishna is egoistic? So how much we have to enter into this type of discussions with others? Ki jab kisi ki koi bhrant dharana hoti hai to usko samjhane ke liye kis had tak hum uske baat cheet karni chahiye. तो कैसा है कि इसमें एक चीज़ है कि अलग अलग लोगों की जो सी मिसकंसेप्शंस अराइज, दे कैन अराइज फ्रॉम द हेड और दे कैन अराइज फ्रॉम द हार्ट. मतलब जो भ्रांत धारणा है, दे कैन अराइज फ्रॉम इग्नोरेंस और दे कैन अराइज फ्रॉम मैलिवोलेंस. मतलब कोई ईर्ष्या करता है भगवान से, उसके कारण कुछ भ्रांत धारणा होती है, और कोई अज्ञान में उसके भ्रांत धारणा होती है. अभी कहाँ से आ रहा है हमें पता नहीं है पहले से. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू अज्यूम समथिंग इज कमिंग फ्रॉम इग्नोरेंस रादर देन मैलेवोलेंस. कोई कहता है भगवद गीता का संदेश है कि हम सबको भगवान में लीन होना है, तो अभी ये क्या इसका मतलब तुरंत ही मायावादी है? हो सकता ही नहीं, हो सकता है. सिर्फ उसने कहीं सुना है ऐसी बात है इसलिए बोल रहा है वो. क्या उसने पूरा शंकराचार्य के भाष्य पढ़ा है इसलिए कह रहा है ऐसे है? तो नहीं, ज़रूरी नहीं है. तो इन जनरल जब भी हम जब किसी संदेश, भगवद्गीता का संदेश वितरण कर रहे हैं किसी को, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव द मोर पॉजिटिव अजम्पशन अबाउट वेयर द स्पीकर इज कमिंग फ्रॉम, वेयर द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम. तो हमेशा हमें जो भी सवाल पूछे उनको सकारात्मक रूप से देखना चाहिए. तो अज्यूम दे आर कमिंग फ्रॉम इग्नोरेंस, ठीक है, तो उनको समझाने का प्रयास कर सकते हैं. पर वो समझ ही नहीं रहे, वो बिल्कुल अपनी ही धारणा पे बचे, तो फिर ज़्यादा उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है. बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल कर रहे हैं वो मैलेवोलेंस से आ रहा है, ऐसे नहीं है. ईर्ष्या के कारण ऐसे ज़रूरी नहीं है, वो प्रज्यूम करना उचित नहीं है. आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू. कोई और सवाल है किसी का? यस माता जी. ओके. हरे कृष्णा प्रभु. बोलिए प्रभु. जब हम चैंटिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, तो एक टाइम आता है कि हम काफ़ी अच्छा और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट देर आर सर्टेन टाइम्स फिर अगेन हमारा जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है बैटरी. तो फिर अगेन प्रभु, कैसे हम अपने आप को मतलब एक कॉन्स्टेंट लेवल पर मेंटेन करके रखें अपने को? अच्छा, मुझे पता चलेगा तो बता दूंगा मैं आपको. देखो, वी शुड नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवरसेल्व्स. कि जो है जीवन कठिन है, जीवन में बहुत से समस्याएं आती है, हमारा मन भी बड़ा विचित्र होता है. तो मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग कंसिस्टेंट इज बीइंग रेजिलिएंट. कंसिस्टेंट मतलब हमेशा मैं इस स्तर पे ही कार्य करने वाला हूँ.
जब उस स्तर पे कार्य नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम उतनी आत्मग्लानी होती, इतना गिल्ट होता है कि उससे ही ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, मैं इस स्तर पे आ गया, अभी उठ सकता हूँ वापस, जाता पर इस स्तर पे क्यों आ गया। उससे दुनिया ने हमको गिरा दिया है, उससे हमारा मन हमको और गिरा रहा है। बात है ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाई, रेजिलियंसी, मतलब मैं नीचे जाऊँगा तो तुरंत ऊपर आ जाऊँगा वापस। तो एम टू बी रेजिलियंट मोर देन बीइंग कंसिस्टेंट। हम चाहते हैं कंसिस्टेंट रहे, बट डोंट मेक कंसिस्टेंसी द सोल बेंचमार्क। ठीक है, मैं रोज सुबह उठ के जब करना चाहता हूँ, पर कभी कोई समस्या आ गई, अगर रात भर सो ही नहीं पाया, मैं सुबह उठ जाता हूँ और सुबह कहता हूँ मैं जप कर रहा हूँ, पर जप में सो रहा हूँ, तो ठीक है। तो सुबह जप करना महत्वपूर्ण है या ध्यानपूर्वक जप करना महत्वपूर्ण है? दोनों महत्वपूर्ण है, पर अगर दोनों में चुनना है, कैसे है कि वी कैनॉट चीट द बॉडी। इफ यू डोंट स्लीप एट द राइट टाइम, वी विल स्लीप एट द रॉन्ग टाइम। अगर हम सही समय पे सोएंगे नहीं तो ऐसे नहीं कि सोने को हम छुट्टी दे सकते हैं, हम गलत समय पे सो लेंगे। तो इसलिए क्या है कि ट्राई कर सकते कंसिस्टेंट होने का, पर अगर नहीं हो रहे है तो उससे खुद को पीटना नहीं है। ठीक है जी, गिर गया, उठ जाओ वापस। रेजिलियंट अगर रहेंगे, मतलब क्या, नीचे जाएगा वापस ऊपर जाऊँगा, जैसे ही जल्दी आ सकता हूँ ऊपर आ जाऊँगा ऊपर, उससे क्या होगा, फिर हम खुद को समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में ऐसी समस्या आती है, कैसे सामना कर सकते हैं कि लाइफ इज टफ, भक्ति करना जो है एक कंसिस्टेंट स्तर पे करना मुश्किल है, तो बेहतर है लेट्स बी काइंड टू आवरसेल्व्स। और ठीक है, कुछ परिस्थिति कारण कुछ समस्या आ गई, बट लेट मी राइज अगेन। थैंक यू। यस मैं तुझे आपसे बोलता हूँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने दो चीज़ें मेंशन की थी, रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस और एक्सप्रेसिंग डिज़ायर। तो प्रभु जी, इसको एज ए पेरेंट हम बच्चों के मैटर में कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, तो बच्चों के मामले में कैसे हम समझ सकते हैं, ये एक्चुअली एक तरह से एक ईस्टर्न पेरेंटिंग स्टाइल है और एक वेस्टर्न पेरेंटिंग स्टाइल है। मैं अमेरिका में एक भक्त घर में रह रहा था, तो उनकी बेटी अभी 12वीं कंप्लीट कर रही थी, तो मैंने पूछा कि व्हाट इज शी गोइंग टू डू आफ्टर 12th, व्हाट इज शी गोइंग टू स्टडी, क्या पढ़ाई करने वाले हो? तो पिताजी ने अपने वो जो प्रभुदेव ने उनकी पत्नी को देखा कि यू नेवर आस्क्ड हर दैट, हैव यू, कि हमने अभी तक कोई पूछा नहीं उसको। तो मैं सोचा था भारत में पूछना क्या, वो 2 साल की हो गई तब से उसको बता रहे तुमको क्या करना है। तो क्या होता है कि पाश्चात्य देशों में एक दृष्टि से कहती हूँ तुम्हारा जीवन है, तुम्हें जो कर रहा है तुम करो, वो रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंस कभी जो ज़्यादा हो सकता है। पर कभी कभी तो ये भारतीय नहीं है, ईस्टर्न है, एक चाइनीज पेरेंटिंग में बुक है, उसको क्या नाम है उसका, टाइगर मॉम। तो जो है क्या है कि कभी कभी ज़्यादा तुम्हें ये करना है वही होता है। तो क्या है कि ज़रूर हम चाचा बचपन में, वो छोटा होता है बच्चा, तो बच्चे को बता जरूर ये करना है ये नहीं करना है। तुम्हें अगर बच्चा खाना खा रहा है और उसके भाई के प्लेट, उसके प्लेट का खाना खत्म हो गया तो अपने भाई के प्लेट से खाना खाने लग गए, तो नहीं तुमको और चाहिए, तुम्हारे प्लेट में मिलेगा तो उसके प्लेट से मत लो तुम। तो एक्सप्रेसिंग आवर डिज़ायर इज इम्पॉर्टेंट, उसके बिना चलेगा नहीं, ज़रूरी है एक तरह से। पर उसके बाद में जैसे बड़े होने लगते हैं तो उनकी स्वेच्छा को भी आदर करना ज़रूरी है। तो अभी एग्जैक्टली कहाँ हमें एक्सप्रेस करना है हमारा डिज़ायर, कहाँ रिस्पेक्ट करना है इंडिपेंडेंस, वो देश काल पात्र पे निर्भर होता है, बट दोनों ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। जैसे हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु, मैं कह रहा था अपने भगवद गीता के लेक्चर्स के लिए, उनके आर्टिकल्स के लिए बहुत मशहूर हैं प्रभु जी के कुछ
कुछ बुक्स हम लेके आ पाए एनवीसीसी से, कुछ जो जितना समय हमारे पास था, तो ये सारी बुक्स जो हैं इन्होंने अलग अलग बुक्स गीता के ऊपर लिखी हैं, पूरा एक कैलेंडर गीता के ऊपर है। तो मैं प्रभु जी से ही कहूँगा कि वो अपने बुक्स के बारे में हमको बताएं। सो एंड दिस बुक्स आर अवेलेबल, ही कैन साइन ऑल्सो। ठीक है, थैंक यू। कैन यू गिव वन कॉपी। प्रभुपाद जी ने हमको भगवद्गीता यथारूप दी है, उन्होंने कहा कि स्टडी स्क्रिप्चर फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, कि अलग अलग पहलुओं से आप शास्त्र का अध्ययन करो। और मैंने भी कहा था कि एवरी डे राइट समथिंग, आप रोज़ आपका जो साक्षात करें कुछ तो लिखो रोज़। तो ये पैंडेमिक में मैंने गीता पे चार दृष्टिकोण से किताब लिखी है। तो दिस इज़ द गीता फ्रॉम अ एप्लीकेशनल परस्पेक्टिव, गीता को हमारे जीवन में कैसे लगाना है। भगवद्गीता फॉर डेली माइंडफुलनेस जो है, इसमें तीन विभाग है, नरिश योर सेल्फ, नरिश योर रिलेशनशिप्स, नरिश योर डिवोशन। और हर एक में लगभग 100-150 आर्टिकल्स है। नरिश योर सेल्फ में है कैसे हाउ टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, हाउ टू डील विथ, हाउ टू ग्रो थ्रू प्रॉब्लम्स। फिर नरिश योर रिलेशन में हाउ टू बी मोर सेंसिटिव इन आर स्पीच, हाउ टू बी लेस जजमेंटल इन डीलिंग विथ अदर्स। नरिश योर डिवोशन में हाउ टू अवॉइड बींग रिचुअलिस्टिक, हाउ टू परस्यू कृष्णाज लव इन आर लाइफ, इसे बताया। तो हर एक लेख जो है एक एक पेज का ही है, और उसके नीचे कुछ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस भी है। तो वेरी प्रैक्टिकल वे, दिस इज गीता फ्रॉम अ एप्लीकेशनल परस्पेक्टिव। ये जो है, ये जो दीज आर मोर ऑफ गीता स्टडी बुक्स। तो ये जो है, दिस इज द गीता फ्रॉम अ रैशनल परस्पेक्टिव, दिस इज द गीता फ्रॉम अ रिलेशनल परस्पेक्टिव। ये जो है कि ये खास करके इसमें बताता है कि दिस फॉलोज द मूड ऑफ बलदेव विद्याभूषण कॉमेंट्री, दिस फॉलोज द मूड ऑफ विश्वनाथ चिखटोकर कॉमेंट्री। तो इसमें क्या है कि जब कोई गीता पढ़ता है तो साधारण मन में सवाल जो आते हैं, तो अगर भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं तो क्या हमारी सही में स्वेच्छा है या नहीं है। अगर प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ करते हैं तो हमें हमारे कर्मों के लिए क्यों जिम्मेदार माना जाता है। अगर हम सही में अनासक्त हो जाएंगे तो हमें कर्म करने के लिए प्रेरणा रहेगी कहाँ से। अगर भगवान सबसे समान दृष्टि से देखते हैं तो भगवान एक पक्ष के में क्यों है और दूसरे पक्ष में क्यों नहीं है। तो ऐसे लगभग 100 सवाल है और उनके जवाब है। और उसमें जैसे मैं अभी कुछ ड्रॉ करने का प्रयास कर रहा था इस क्लास में, जैसे इसमें कुछ लगभग 180 डायग्राम्स भी है, टेबल डायग्राम, जिससे कि पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। ये गीता फ्रॉम रैशनल परस्पेक्टिव ये जो है। तो आज का क्लास जो था ये दोनों किताबों के आधार पर ही मेनली था, गीता फ्रॉम अ रिलेशनल परस्पेक्टिव, कैसे भगवद गीता ये वास्तव में भगवान के प्रेम का लक्षण है। गीता इज अ बुक अबाउट रिलेशनशिप्स, कैसे भगवान अपना अर्जुन के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहे हैं और हम सब के प्रति भी उनका प्रेम व्यक्त कर रहे हैं। ये गीता से हम समझ सकते हैं, वो इस किताब में बताया गया। गीता के अलग अलग एंडिंग जो बता रहा था मैं, वो यहाँ पर बताया था। जो गीता में अलग अलग लेवल्स बताए हैं, नॉट टू बट फोर, वो गीता इनसाइट से था। और ये जो है, दिस इज द गीता फ्रॉम अ इंस्पिरेशनल परस्पेक्टिव। ये गीता के आधार पर कुछ कोट्स हैं, जो हर एक जो कोट है ये गीता के एक श्लोक पे आधारित है। तो मेकिंग मनी इज इम्पॉर्टेंट बट व्हाट वी आर मेकिंग विथ मनी इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट, कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण है पर पैसे से हम क्या बना रहे हैं वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ये खास करके दिस इज़ अ वेरी नॉन इंट्रूसिव वे ऑफ शेयरिंग स्पिरिचुअल विजडम विद अदर्स। किसी को किताब देगे थे शायद वो पढ़ेंगे नहीं, बोलते कि तुम क्या, पर आपके घर में या आपके ऑफिस में आप ये टेबल ये कैलेंडर रख दोगे, किसी को आएगा कि कोट पढ़ेगा तो अच्छा लगेगा, तो फिर हम बात कर सकते हैं, उनको अध्यात्म में आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऑल दीज फोर बुक्स आर अवेलेबल एंड इफ़ यू वॉन्ट you can take them and I can also sign the books if you want. Thank you very much. Hare Krishna. Announce something. Hare Krishna. एक car जिसका number है MH14CS6841, इसका जो headlight से बहुत देर से शुरू है तो बैटरी डिस्चार्ज हो सकता है, जिसका भी है MH14CS6841। ओके, तो आइए हम इस चैतन्य चरण का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तो वैसे ही कल सुबह और परसों सुबह भी चैतन्य चरणपुर के लेक्चर्स एनवीसी भागवतम योगिंग, तो कल शनिवार और रविवार दोनों दिन भागवतम प्रभु जी एनवीसीसी में दे रहे हैं। तो जिस किसी को भी इस इन क्लास का एनवीसी जा सकते हैं या वो ऑनलाइन भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के साथ जिसको भी बुक्स लेने हैं वो सामने आ सकते हैं, उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा।